हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं यू लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से 2.1 होम थिएटर किट का वायरिंग कर सकते हैं। जो कि यहाँ पे देख सकते हैं, मेरे पास दो तरह का किट है। जो कि ये आपको सिंपली इसका वीडियो बहुत यूट्यूब पर मिल जाएगा, लेकिन इस किट का शायद ही मिल पाएगा, इसलिए हम आज इस किट का वायरिंग करेंगे और इसका नहीं करेंगे। तो इसको हम साइड में रख देते हैं। आज हम इस किट का वायरिंग करेंगे, जो कि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे इस किट के ऊपर वीडियो बनाने के लिए, जिसका ए टू जेड वायरिंग कैसे होगा। तो दोस्तों, इसमें सब जगह का बनाया हुआ है। ये स्पीकर का है, ये ऑडियो इनपुट का है, ये आपका वॉल्यूम का हो जाएगा बेस का, जो कि बूफर का होता है, और यहाँ पर सब बूफर स्पीकर का, और ये 12012 का। फिर भी हम इसका डिटेल्स बता दूँ कि अगर मान लीजिए ये सब कुछ नहीं रहेगा, फिर आप कैसे कर पाएंगे। मान लीजिए कुछ नहीं रहेगा, फिर भी आप कैसे कर पाएंगे कि इसका कनेक्शन कहाँ से होगा। तो पहले हमको ये देखना है कि इसमें आईसी कौन सा यूज हुआ है। तो देख सकते हैं यहाँ पे 20-30 आईसी यूज किया गया है। ये दोनों साउंड के लिए, लेफ्ट राइट और एक बूफर के लिए यूज किया गया है। और यहाँ पे जो देख रहे हैं 45-58, ये जो है ये सब ऊपर फिल्टर करके, जो सब ऊपर स्पीकर होता है उसको चलाने के लिए आईसी यूज किया जाता है। तो जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, ये जो डाइबोर्ड लगाया हुआ है, यहाँ पे पावर सप्लाई होगा, जो कि इसमें ट्रांसफार्मर। अब अच्छा साउंड के लिए 3 एम्पियर यूज कर सकते हैं, 12012 3 एम्पियर। और यहाँ पे जो कैपेसिटर लगा हुआ है, अब हमें ये कैसे पता करना है कि सप्लाई कैसे देना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर, ये दो कैपेसिटर लगा हुआ है, ये दोनों सीरीज में लगा हुआ। तो समझ जाइए, इसमें ग्राउंड चाहिए, माइनस प्लस और ग्राउंड। और जो होगा ग्राउंड को, तो जहाँ इसका जो सीरीज होगा माइनस प्लस, वहाँ जोड़ देंगे। और जहाँ डाइवोर्ट का जो माइनस प्लस होगा दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, ये बीच वाला प्लस और माइनस, और फिर यहाँ पे प्लस और माइनस दिया गया है, तो वहाँ पे 12 12। और जो ट्रांसफार्मर का और एसी इनपुट होगा, सो इसमें होगा। तो हम आपको सबसे पहले ये बताते हैं कि आईसी का जो डायग्राम होता है दोस्तों, इसमें 5 पिन होते हैं। यहाँ जैसे कि देख सकते हैं, पहला नंबर पिन में दोस्तों ये ऑडियो इनपुट होगा। यहाँ हम इसमें बताएंगे कनेक्शन के टाइम में, पहले हम डायग्राम को समझ लेते हैं। जहाँ जब मेन होगा दोस्तों, जैसे कि स्पीकर का कौन होगा, और माइनस प्लस का तो सप्लाई से ही मिल जाएगा। ऑडियो आउटपुट का कनेक्शन किस नंबर में होगा, मतलब 4 नंबर में ऑडियो आउटपुट का है, 1 नंबर में ऑडियो इनपुट है, और ये सप्लाई का तो आप यहाँ से भी सबको मिल जाएगा। तो हम वो मेन इनपुट और आउटपुट को देखना है कहाँ से हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो 1 नंबर पिन में ऑडियो इनपुट हो रहा है, और 4 नंबर पिन में ऑडियो आउटपुट हो रहा है। तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो दोस्तों देख पा रहे हैं, यहाँ पे आईसी लगा हुआ है, ये पहला पिन है। तो यहाँ पर जो पहला पिन है, उससे ये कैपेसिटर से होकर जो पीएफ लगा हुआ है, नॉन वोल पीएफ, यहाँ से होकर डायरेक्ट ऐसे ऐसे करके प्रिंट के द्वारा यहाँ पे आ जाता है। जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ, ये पहला पिन है, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये पहला पिन है, और वहाँ से यहाँ पे पहला पिन से एक यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा के एक ग्राउंड में दे दिया जाता है, और एक फिर यहाँ से पीएफ लगा के, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पीएफ लगा के, फिर से एक पीएफ लगा के यहाँ पे ऑडियो इनपुट का एक प्रिंट छोड़ दिया है। और ठीक उसी तरह से ये दूसरे चैनल का है, यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे इसमें गया, देख सकते हैं यहाँ से। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। आप डायरेक्ट 1 नंबर पिन जो है दोस्तों, उसके बाद जो पीएफ लगा हुआ यहाँ भी जोड़ सकते हैं। वो देख सकते हैं आप, यहाँ पर एक पीएफ लगा होगा, यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो 2 पीएफ लगा है दोनों आईसी का है। फिर यहाँ पे ये ऑडियो इनपुट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे ये ऑडियो इनपुट हो जाएगा और एक ग्राउंड हो जाएगा, ठीक है। तो हम इस तरह से इसका ऑडियो इनपुट का कनेक्शन कर सकते हैं। अब हमें ऑडियो आउटपुट, तो देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 4, ये वाला हमारा 4 नंबर पिन है। तो 4 नंबर पिन, जैसा कि देख सकते हैं, 1 2 3 4, ये 4 नंबर पिन है, यहाँ से हमारा ऑडियो आउटपुट होगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो देख पा रहे हैं, हम डायरेक्ट यहाँ भी जोड़ सकते हैं, यहाँ भी जोड़ सकते हैं,
चार नंबर पिन में, लेकिन देख सकते हैं यहाँ इसका जो प्रिंट आया हुआ है, यहाँ से यहाँ ऐसे ऐसे करके यहाँ पे कैपेसिटर लगा दिया होगा, ग्राउंड में डाल दिया है फिल्टर के लिए। देख सकते हैं कैपेसिटर लगा दिया गया है फिल्टर के लिए। और यहाँ पे देख सकते हैं जो चार नंबर पिन आया है डायरेक्ट यहाँ से इसमें आ गया है, यहाँ पे ये ग्राउंड हो गया, ग्राउंड हो गया, लेफ्ट और राइट हो गया। ठीक दूसरा आईसी से ये आया है, यहाँ पे जम्पर लगा है, ये चार नंबर पिन से जम्पर लगा के यहाँ पे देख सकते हैं ये जम्पर लगा हुआ है, यहाँ पे इस साइड आ गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे किसी किसी में रेजिस्टेंस लगाया होता है, किसी किसी में जम्पर है, तो इसमें जम्पर है, डायरेक्ट आप चार नंबर में भी जोड़ सकते हैं। और यहाँ पे इसका जो प्रिंट के द्वारा यहाँ पे आप कनेक्शन कर सकते हैं इसमें, जैसे कि यहाँ पे ग्राउंड हो गया, लेफ्ट का हो गया, राइट का हो गया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये वीडियो आप एंड तक देखिएगा, अगर आपको पूरा वायरिंग समझना है, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो आप इसका पूरा वीडियो देखिएगा लास्ट तक, तभी समझ में आएगा। तो इसमें क्या क्या लगेगा वो मैं आपको बता देता हूँ, जैसा कि मैंने आपको कनेक्शन इनपुट का और ऑडियो का समझा दिया। और यहाँ पे जो देख पा रहे हैं दोस्तों, ये ट्रांजिस्टर एक दिख रहा होगा, इस ट्रांजिस्टर का नंबर है 7805, जो कि ये एक कार्ड चलाने के लिए होता है मॉड्यूल को। तो दोस्तों मैं बता दूँ आपको इसमें क्या क्या आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक ट्रांसफार्मर का ज़रूरत पड़ेगी, जो कि यहाँ पे 12 है, 0 है, 12 है, 12 0 12 का ही आप 3 एम्पियर अच्छा आवाज़ के लिए कर सकते हैं, 1 एम्पियर से भी ये चल जाएगा, लेकिन आवाज़ साउंड अच्छा पाने के लिए आप 3 एम्पियर यूज कर सकते हैं, तो ट्रांसफार्मर एक चाहिए। और यहाँ पे वॉल्यूम 3 पिन वाले चाहिए, जो कि ये बेस वाले स्पीकर को, सबवूफर को कंट्रोल करेगा। आप यहाँ पे 47 के है, आप 50 के 100 के का भी लगा सकते हैं, इसका वैल्यू से कोई इसका फ़र्क नहीं पड़ता है, बस यही होता है कि 47 के में थोड़ा बढ़ाने पर ज़्यादा आवाज़ होता है, 100 में ज़्यादा बढ़ाने पर वो होता है। दूरी मान लीजिए कि 47 है और 100 में, दोनों में अंतर हो जाता है, इसको थोड़ा ही आगे करेंगे वो ज़्यादा साउंड देगा, और 100 का ज़्यादा करेंगे तब वो साउंड पकड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता है। और यहाँ पे एक 6 पिन वाले होगा, जो कि साउंड के लिए, 100 के का मैंने यूज किया है, आप 50 के का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ये लेफ्ट राइट का है, इसलिए 6 पिन वाले का यूज किया है मैंने यहाँ पे वॉल्यूम का। सबसे पहले ये जो बाएं वाला है दोस्तों, बाएं वाला, इसमें हमारा ऑडियो इनपुट होगा, जो कि हम मॉड्यूल से देंगे। और ये जो राइट वाला है, दाहिना वाला, ये दोनों को ग्राउंड में करके हम ग्राउंड में डाल देंगे। और बीच वाला हमेशा ऑडियो इनपुट होगा बोर्ड में। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम इसका कनेक्शन कर लेते हैं वॉल्यूम का, और इस मॉड्यूल का भी हम कनेक्शन बताएंगे। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारा जो बीच वाला है, ब्लू और ये ग्रीन, दोनों ऑडियो इनपुट होगा बोर्ड में। तो हम किस तरह से इसका कनेक्शन करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। जो बीच वाला हमेशा बीच इसमें जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ब्लू और ग्रीन को हम, जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ पे पहला नंबर पिन से अब से यहाँ पे होकर ये दोनों प्रिंट छोड़ता है, ये वाला जो देख रहे हैं, ये दोनों प्रिंट, जो मैं आपको सोल्डिंग करके बताऊंगा। तो चलिए हम इसका सोल्डिंग कर लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों, ये मैंने सोल्डिंग कर दिया यहाँ पे लेफ्ट राइट, और ये ग्राउंड का, इसके बगल में ग्राउंड है, जैसा कि देख पा रहे हैं ये ग्राउंड का प्रिंट पूरे गया है यहाँ से, ये ग्राउंड का, यहाँ से यहाँ से यहाँ से पूरे ग्राउंड है ही, माइनस प्लस यहाँ पे कैपेसिटर का होता है, ग्राउंड हो जाता है। तो यहाँ पे जो देख पा रहे हैं, देख सकते हैं ब्लू और ग्रीन दोनों मेन हैं, जो कि बीच में से निकलता है, और लेफ्ट साइड जो आईसी के पहला नंबर पिन में जाता है, और पीला वाला ग्राउंड है, जिसको हम ग्राउंड में डाल दिए। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा ऑडियो इनपुट हो गया वॉल्यूम का। अब हम इसमें बेस का कनेक्शन करेंगे, जो बेस कंट्रोल करेगा वॉल्यूम में, 3 नंबर 3 पिन वाले होगा दोस्तों, जैसा कि फिर ठीक उसी तरह पीला वाला जो है दोस्तों, पीला वाला हमारा इस आईसी में जाएगा, जो कि ये बेस को कंट्रोल करेगा, और यहाँ पे ये ग्राउंड में जाएगा, और ये ऑडियो इनपुट होगा, जो कि 4558 से आएगा। तो उसके लिए बेस के लिए यहाँ पे, बेस के लिए यहाँ पे सिंपली दिया गया है, तो हम इसका कनेक्शन कर लेंगे। जो 1 नंबर पिन में आया है, हम बीच में देंगे इस आईसी से, देख सकते हैं इस आईसी का 1 नंबर पिन ये है, तो यहाँ से एक जम्पर लगा के डायरेक्ट जम्पर इसमें दिया गया है, कैपेसिटर नहीं दिया गया, देख सकते हैं।
एक जम्पर दिया गया है यहाँ पे 14 नंबर पिन में। यहाँ पे एक जम्पर लगा के यहाँ से देख, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक नंबर पिन में यहाँ से जम्पर लगा के ऐसे करके यहाँ यहाँ ला दिया है, देख सकते हैं, यहाँ ला कर रख दिया है, जो कि हम वॉल्यूम के बीच वाले में ये देंगे ऑडियो इनपुट। ठीक है, तो वॉल्यूम का जो ऑडियो इनपुट है ये बीच वाला पीला है, यहाँ पे पीला का कनेक्शन कर देंगे और ग्राउंड का कनेक्शन इसके बगल में जो ग्राउंड है ग्राउंड में कर देंगे। और फिर ये जो देख रहे हैं ऑरेंज वाला दिख रहा है आपको, वो ऑरेंज वाला इसके बगल में जो होगा, जो कि 4558 के एक नंबर पिन से आया है, उसमें कर देंगे, देख सकते हैं। ठीक उसी तरह मैंने जोड़ दिया है, ये 4558 के एक और दो नंबर पिन में ये एक कैपेसिटर यहाँ पे लगा हुआ है, तो ऑरेंज कलर वाला ये हमारा इसमें आ जाएगा बाएं वाला में, और ये वाला पीला वाला इसमें आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया वॉल्यूम का कनेक्शन। अब वॉल्यूम में जो कनेक्शन हो गया दोस्तों, तो ऑडियो इनपुट का कनेक्शन हम कैसे देंगे इसमें? तो ऑडियो इनपुट का सिंपली आप इस जैक से भी दे सकते हैं और आप मॉड्यूल से दे सकते हैं, तो हम आपको मॉड्यूल से करके बताएंगे। तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये 3 पिन वाला होता है दोस्तों, ऑडियो आउटपुट के लिए होता है और ये दोनों सप्लाई के लिए होता है। तो जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है 7805, इसका ज़रूरत है, जो कि 5 वोल्ट से कार्ड चलता है, तो इसका कनेक्शन हम उसमें करेंगे। तो सबसे पहले हम इस जैक का बात कर लेते हैं, तो बीच वाला हमेशा ग्राउंड होता है और दोनों साइड वाला लेफ्ट राइट होता है।